रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है आपका? सर 5439। थोड़ा तेज बोलिए। 5439। 54359। जी सर। ठीक है, एज क्या है आपकी? 20। जी 20 ईयर्स। कितने साल से दिक्कत थी ये लिखने में? करीब करीब सर 4 साल से। 4 साल से दिक्कत थी। 4 साल में आपने किसको दिखाया? बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया। न्यूरोलॉजिस्ट में भी दिखाया? न्यूरोलॉजिस्ट में कई डॉक्टर दिखाए, कम से कम 3-4 डॉक्टर को। कहाँ पे? हाँ, एक तो बनारस में दिखाए थे, दीपिका जोशी जो है उनको दिखाए थे। और इसके अपने यहाँ एक थे, क्या नाम है, न्यूरो के, उनको दिखाए थे। यहाँ तक कि होम्योपैथिक दवा भी कम से कम 2 महीने किए थे। ठीक है, तो उससे कोई फर्क पड़ा था? सर केवल कंपन आराम आता था, मतलब लिखने में कोई एक जब कोई फर्क नहीं। अच्छा ठीक, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिए इसमें पेपर में और डेट लिखिए। रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट, आज की डेट। पहले क्या क्या दिक्कत होती थी आपको? पहले सर जैसे क्या नाम है, हमारा हाथ जो है, हाथ पे ली है, हाँ, उसमें बहुत कंपन, बहुत दर्द होता था। अच्छा, और इसके बाद जब दिक्कत पे जो नीचे की उंगली है सब बाहर की ओर इस तरह लिखा था। ठीक, और इसके बाद जो हमारा कोनी है थोड़ा सा बाहर की ओर पुश करता था अपने आप को, एक तरह से बहुत पुश करता था। और सर कंपन हमेशा करता था इस तरह। हाँ, और भी कोई दिक्कत थी? नहीं सर, यही प्रॉब्लम। अच्छा, किसी के सामने सर कभी लिख नहीं पाते, किसी के सामने लिख नहीं पाते थे, कोहनी उठ जाती थी, और सबसे छोटी फिंगर, लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर में थोड़ा कंपन था, दिक्कत थी, बाहर की ओर जाती थी। जी सर। अच्छा, और कोई दिक्कत? और नहीं सर। कहीं कोई दर्द, कोई अकड़न? हाँ सर, पूरा पंजे में पूरा हाथ में सर ये अकड़न होती थी। अच्छा, और कंपन भी पूरे, पूरे सर कंपन तो पूरे हाथ से पूरे शरीर में, पूरे हाथ में, पूरे शरीर में होता? पहले हाथ में किया था, पहले हाथ में था। अच्छा, 20 साल की आपकी एज है, 4 साल से दिक्कत थी आपको। हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट कब से शुरू किया आपने संजीवनी से? 2 महीने से। 2 महीने में कितना आराम मिला? करीब करीब सर 20% आराम। 20% आराम मिला। क्या क्या आराम मिला? जैसे सर हमारे जो क्या नाम है, दर्द कम हो गया। एक पन्ना दो पन्ना लिखने से दर्द बहुत कम होता है। दर्द, अच्छा, अब 2-3 पेज लिख सकते हैं, दर्द बहुत कम हो गया। और इसके बाद से हमारी जो कोहनी मतलब इधर उधर पुश करती थी वो नहीं होता है। हाँ, वो अब नहीं होता है। इसके बाद सर जो फिंगर बाहर निकलती थी, हाँ, वो भी अब पूरा बंद हो गया। वो बंद हो गई, बाहर जो उंगलियां बाहर निकलती थी वो उंगलियां बाहर नहीं निकलती हैं। पेन पकड़ने में प्रॉब्लम होती थी, अब भी थोड़ी है लेकिन अब बहुत कम है। अब पेन पकड़ने में प्रॉब्लम कम होती है। और सर थोड़ा बस प्रॉब्लम से ग्रिप में, जैसे ग्रिप में प्रॉब्लम है। हम मोटा ग्रिप पकड़ते हैं तो अच्छा लिखाता है, पतला पे एकदम प्रॉब्लम है। अच्छा, आपने ये भी लिखा कि अब जो है चिंता, घबराहट, तनाव भी कम होता है। हाँ, कम हो गया सर, उस समय बहुत था, उस समय बहुत था, अब नहीं है उतना। ठीक है, लिखिए आप 3-4 लाइनें लिखी, वही जो पैराग्राफ हम लिखने को देते हैं। राइटिंग में भी सुधार हुआ है? जी सर। आपका पुराना वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है? अभी ये सर अभी नहीं पता आपको। ठीक है, जब आप दवा लेने आए थे तो पहली बार आपका वीडियो बना होगा? जी सर। हाँ, तो आपके पास है वो? जी सर, मोबाइल में। आपके मोबाइल में है तो अभी हमको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आपका चेहरा दिखा सकते हैं यूट्यूब पे? जी सर, दिखा दें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, ठीक। पहले से राइटिंग में सुधार है, दोनों उंगलियां जो बाहर थी हैं बिल्कुल बाहर नहीं है, अंदर है। जी सर। ठीक है, इसको हटा लीजिए। ठीक है, अपना पूरा पुराना वीडियो भी हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा।